नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका दोस्त फिर से आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें स्लो कैरवा की पूरे पैटर्न है, मतलब कि स्लो कैरवा को कंप्लीट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उसमें तोड़ कौन सी है, कौन सी तिरकिट लगेंगी, छपकी के साथ में पूरा इसमें कंप्लीटली बताऊंगा। वीडियो लंबी होंगी लेकिन आपको पूरी देखना है। तो देखिए, मैं कुछ पूरा मिक्स करके पहले बताता हूँ कि किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हमने तोड़ बताई, उसके बाद में हमको पैटर्न बजाना है, उसके बाद में तिरकिट लगाना है, और तिरकिट के बाद में हमको फिर छपकी पे आना है, फिर छपकी के बाद फिर से उठान मार के फिर से स्लो पे आना है। तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहला पैटर्न है ता ता किन ता किन ता। तो देखिए ता, एक मिनट में आपको दो ढोलक पे बता दूं देता हूं तो आपके समझ में। और फिर ना, फिर ता के ना, और फिर लास्ट में ता। दे दो बार है ता के ना, ता के ना, और फिर ता। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे ता के ना, और फिर ता। तो किस प्रकार से बजेगा ये? ठीक है, ये हो गया। अब इसको उठान के बाद में कैसे यूज करेंगे देखिए, इसी ताल में। देखिए, अब आपको सीखना है पैटर्न। तो पैटर्न किस प्रकार से, देखिए देखिए, दिन ता, पहले दिन ता, तिन देखिए, धिन ता तिन ता, और फिर धिन ता। धिन पहले इसमें प्रेस है, और फिर लास्ट में धिन ता। आठ बोल है, आठ मात्रा है, तो आठ मात्रा में एक और सात पे, एक पे प्रेस है और सात पे स्लाइड है। देखिए, और ये हाथ को ही चलेगा, धिन ता तिन, लास्ट में धुन ता। ठीक है, इसके ये हो गया अपना पैटर्न। अब देखिए इसको किस प्रकार से बजाना है। देखिए, अब इसके बाद में तिरकिट किस प्रकार से लगेंगी, पहले कौन सी तिरकिट है ये देख लेते हैं। देखिए, प्रकार से तिरकिट मैं आपको बताऊंगा। देखिए, धा धा की र की ट, पहले तिरकिट देख लेते हैं। देखिए, ती र, और फिर की ट। देखिए, ती र की ट, देखिए धा धा, दो बार प्रेस है दोनों साथ में, धा धा, और फिर देखिए सिर्फ इतना ही है, धाधा तिरकिट, धाधा तिरकिट। किस प्रकार से, देखिए पहले अपन उठान लेंगे जो बताई, सबसे पहले तकिन तकिन ता, तीनों पैटर्न आपको समझ में आ चुके होंगे। और नहीं आए तो कमेंट में लिखिए, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। और उसके बाद में मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो डालूंगा,
और ये मतलब जो लंबी वीडियोस है वो कम से कम ही आएगी, मतलब उसमें कम में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट वीडियो में डालूंगा और ये लंबी वीडियो कम से कम डालूंगा। इसीलिए अगर जिसको ढोलक सीखना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे एंड शेयर करे। इसके बाद में हम देखेंगे छपकी पैटर्न किस प्रकार से और किस प्रकार से मिलाया जाता है। देखिए अब पूरे तीन पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, पहला उठान और फिर मीडियम स्पीड केरवा और उसके बाद में तिरकिट और उसके बाद में छपकी लगा के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चाहूंगा कि किस प्रकार से है ये पैटर्न। देखिए पहले इसमें धुन प्रेस करना है सिर्फ धिट, ये दोनों साथ में एक बोल हो गया धिट और फिर धा धिट धाता। देखिए धीट दोनों साथ में हो गया फिर धा प्रेस और ता धीट धीट धापा धीट धापा और फिर किट और फिर प्रेस एक बार और फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए धिट धाता और फिर टिट धाता, तीन बार में भरावट आएगी लेकिन अगर आप दो बार लेना चाहते हैं तो किस कुछ इस प्रकार आएगी। देखिए धिट ताता और फिर टिट धाता धिट ताता टिट धाता धिट ताता टिट धाता। तो इसी प्रकार से पैटर्न है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। इसी के साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा उन बंदों को शेयर करिए जो ढोलक सीखना चाहते हैं, तो इससे वो सीख पाएंगे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली